इंटरनेट की दुनिया का बेताज बादशाह बनने की होड़ इस वक्त पूरी दुनिया में है और इसका ताजा उदाहरण है स्टारलिंक। जी हाँ, दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले देशों को देखा जाए तो उनमें भारत का नंबर भी आता है और इसी के लिए लगातार भारतीय टेलीकॉम कंपनियों में एक दूसरे को मात देने की होड़ मची हुई है। लेकिन इसी बीच भारतीय कंपनियों को टक्कर देने के लिए एक ऐसी कंपनी सामने आ रही है जिसका नाम पहले ही दुनिया के दूसरे देशों में उसकी इंटरनेट स्पीड के लिए लिया जाता है। जी हाँ, टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ एलन मस्क ने स्टारलिंक को भारत में भी लॉन्च करने की बात कही है। जी हाँ, एलन मस्क के नाम से कौन वाकिफ नहीं है, बड़े कारोबारियों में उनकी गिनती पूरे दुनिया में होती है और अब एलन मस्क का इरादा भारत में भी बिजनेस करने का है। आपको बता दें, स्टारलिंक प्रोजेक्ट के आधार पर एलन मस्क ने भारत सरकार से यह बिजनेस करने की इजाजत मांगी है। आपको बता दें, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने देश में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पिछले साल अगस्त में कंसल्टेशन पेपर जारी किया था, जिसके बाद स्पेसएक्स ने भारत से बिजनेस करने के लिए इजाजत मांगी है। आपको बता दें, अगर ऐसा होता है तो स्टारलिंक के हाई स्पीड सैटेलाइट नेटवर्क से भारत के सभी लोगों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने में मदद मिलेगी। आपको बता दें, स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन स्पेसएक्स ने स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस के लिए सैटेलाइट छोड़े हैं, जिनकी संख्या 1000 से भी ज्यादा है। और यही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन और कनाडा में स्पेसएक्स के लाखों ग्राहक हैं। खास बात यह है, स्पेसएक्स की नजरें इस वक्त भारतीय बाजार पर है और उनका पूरा फोकस भारत में ग्रामीण इलाकों पर है। आपको बता दें, एलन मस्क स्पेस लिंक इस वक्त 50 से 150 Mbps स्पीड देने का दावा करती है। लेकिन इसी बीच मस्क ने ट्वीट कर ये भी जानकारी दी है कि इस साल स्टारलिंक की गति दोगुनी होकर 300 Mbps आ जाएगी, यानी कि उनका लक्ष्य है तेज रफ्तार इंटरनेट मुहैया कराने का। यही नहीं, उनका ये भी कहना है कि स्टारलिंक परियोजना अगले साल तक पृथ्वी के अधिकांश भागों को कवर करेगी। और उनका ये भी कहना है कि ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि घने शहरी क्षेत्रों में सेलुलर को हमेशा फायदा ही होगा। आपको बता दें, भारत में इस वक्त 700 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं और इनकी संख्या साल 2025 तक बढ़कर 974 मिलियन होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। आपको बता दें, भारत में मौजूदा औसत इंटरनेट स्पीड इस वक्त 12 Mbps है। हालांकि 5G के आने से भारत में इंटरनेट स्पीड बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन आप सोचिए, स्पेस एक्स के स्टारलिंक प्रोजेक्ट को अगर मंजूरी मिल जाती है और अगर 150 Mbps तक की स्पीड मुहैया होती है तो फिर इंटरनेट कैसा चलेगा, ये आप भी समझ सकते हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिरकार स्टारलिंक भारत में कितने रुपयों में अपने इंटरनेट के लिए प्री ऑर्डर कर रहा है। जी हाँ, सुपरफास्ट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक $99 में प्री ऑर्डर पर उपलब्ध है, यानी कि प्री ऑर्डर करने के लिए आपको 7200 रुपए खर्च करने होंगे। यही नहीं, कंपनी का ये भी कहना है कि प्री बुकिंग की राशि पूरी तरीके से रिफंडेबल है और यूजर स्टारलिंक वेबसाइट पर शहर का नाम और पोस्टल कोड लिखकर इंटरनेट सेवा की उपलब्धता की जांच भी कर सकते हैं। आपको बता दें, बताया भी जा रहा है कि अगर सब कुछ ठीक होता है तो भारत में अधिकांश यूजर्स को ये सेवा 2022 तक मुहैया होगी। लेकिन अब देखना होगा कि आखिरकार आने वाले समय में क्या होता है और स्टारलिंक को भारत में कारोबार करने की इजाजत मिलती है या नहीं। जय भारत टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।